बिहार के दरभंगा में सरस्वती पूजा के बाद दो गुटों के बीच बवाल हो गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पथराव हुआ। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन और SSP जगुनाथ रेड्डी मामले को शांत करवाने के लिए मौके पर पहुंचे। ये मामला दरभंगा के तार सराय मुड़िया माली टोले का बताया जाता है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। दोनों ओर से पथराव किया गया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने आक्रोशित लोगों को समझाया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्ति विसर्जित करवाया गया। हालांकि पत्थरबाजी में कई पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। हालात बिगड़ने से पहले ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत करवाया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी राजीव रोशन और SSP जगुनाथ रेड्डी भारी पुलिस फोर्स के साथ कई थानों की पुलिस सहित QRT जिला पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों से बात करने के बाद मूर्ति विसर्जन करवाया गया। पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। भालपट्टी OP अंतर्गत मुरिया पंचायत में सूचना प्राप्त हुई कि मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है। तो इमीडिएटली बरिया पुलिस अधीक्षक के साथ मैं और जिला प्रशासन और मंडल पदाधिकारी और मंडल पुलिस पदाधिकारी सब लोग यहां उपस्थित हुए और अभी वार्ता की गई है। मूर्ति विसर्जन का जो काम ड्यू था, सभी लोगों से बात करके मूर्ति विसर्जन के लिए भेज दिया गया है। जो विवाद का विषय वस्तु समझ में आया है कि सड़क पे किस जगह से मूर्ति को टर्न लेना है, इसको लेकर के कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जो पुराने मुखिया जी का घर है वहाँ से टर्न लेना है। कुछ लोग उसमें कह रहे थे कि नहीं, 5 कदम पीछे से टर्न लेना है। इसी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी है। अभी दो मूर्ति, ये भी सूचना थी कि दो जो ट्रैक्टर पे मूर्तियाँ थी वो पहले टर्न लेकर के वापस लौट भी चुकी थी, उसके बाद इस प्रकार से किया गया है। तो जो लोग उपद्रव किए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन पे जो विधि सम्मत है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्थिति शांतिपूर्ण है। अभी हम लोग यहाँ नजर बनाए करके हम लोग यही स्पॉट पे हैं और पुलिस बल तैनात है। हम लोग वॉचफुल हैं और विसर्जन भी शांतिपूर्ण हो रहा है। यहाँ जिला बल है, BMP है और QRT है और सभी थाना का अगल बगल थाना का फोर्स भी है। पुलिस फोर्स थी, हम लोग उसको जांच करेंगे। उसके अभी तक हम लोग अभी विसर्जन करा रहे हैं। जो भी चीज़ है जो बता बाप बोल रहे हैं उसको जांच का विषय, जांच करने के बाद हम बता पाएंगे। फिलहाल गांव में शांति का माहौल है। CCTV और वीडियो की तहकीकात की जा रही है, इसकी मदद से अपराधियों की पहचान की जाएगी। विसर्जन के दौरान उपद्रव करने वालों की पहचान की जाएगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन के अनुसार स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। TV9 के लिए दरभंगा से आलोक पुंज की रिपोर्ट।